अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे भाई एजाज भाई हैं, और आदिल एजाज हैं, सॉरी। तो इसको जितना जो भी देख रहा है यूट्यूब पे, तो मेहरबानी करे, रिक्वेस्ट करता हूँ ये आप लाइक किया करें। सब्सक्राइब भी तो बोल नहीं आ रहा ये भाई। भाई मैं वायरल हो गया, जावेद ने कर दिए प्रमोशन मेरी, आपका भाई वायरल हो गया। जावेद, ये तू जब कमेंट करता है अपना नाम क्यों लिखता है जावेद? भाई जान, टिकटॉक में सॉफ्टवेयर आए हुए हैं आजकल, ये सॉफ्टवेयर में हर किसी का नाम आ सकता है, अगर अपने नाम से लिखोगे तो हर को जाएगा। ओ भाई मारो, मुझे मारो। नहीं यार, कौन सा इससे होता क्या है, पूछो ना इससे। आप भाई जो कहना चाहोगे वो होगा ना। सर जी, तेरे साथ एक डील करनी है। कौन सी? शेब खान के साथ मेरा लगा था, वो 100 करेगा तो जिंगर खिलाऊंगा। हाँ। उसके रन बढ़ाने नहीं है, सही है, टोटल बढ़ाएगा सही है, लेकिन उसके खाते से एक एक दो दो करके कम करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। वेलकम हो गया को वीडियो में, दिस इज आदिल एजाज फॉर यू। यार मेरे गेटअप से अंदाजा हो ही गया होगा, आज मैच है, मैच डे, और रमजान करीम के बाद ये पहला मैच है। इनफैक्ट पहली बार मैं ग्राउंड जा रहा हूँ, ईद के बाद मैं ग्राउंड गया भी नहीं हूँ, बिल्कुल ही नहीं गया। भाई कामिल जिसान के साथ थोड़ी सी टेप बॉल खेली थी, और उसके बाद भाई यही पड़ा हुआ है आपका भाई। बाकी प्लेयर्स वगैरह तो खेलते रहते हैं आगे पीछे, सिटी में जाके उनके मैचेस होते रहते हैं, लेकिन मैंने भाई हार्ड बॉल को हाथ भी नहीं लगाया, और अभी मैं हाथ लगा रहा हूँ। ये अभी जो करना है सब अभी करेगा, शू। तो 10 बजे का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं, आराम से पहुंचेंगे, कोई इतनी जल्दी वाली बात नहीं है, इतना पंचुअल कोई भी नहीं है। 5-10 मिनट लेट हो गई तो भी माफ़ी मिल जाती है, इतना कोई इशू नहीं है। तो भाई बैग वैग पैक करते हैं, अपना बैग देखते हैं, बैग मेरा अंदर है, देखूँ बैग में धूल वूल कितनी जमी है, चेक करते हैं। बैग उठा लिया, इसकी धूल मट्टी देखनी पड़ेगी भाई, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, अभी सब पता चल जाएगा। हेलमेट है भाई, अभी तक किसी काम नहीं आया ये मेरे, कोई फास्ट बॉलर टकराता नहीं है यार जो चिंगारी दे, बस भाई यही है। ये थाई मैंने ज़िंदगी में पहनी नहीं, लेकिन हर बार कैरी करनी पड़ती है भाई। अल्लाह, ग्लव्स की हालत देख के गुर्बत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? तो भाई सामान अपना सेट है, और लोग के थाई डाल देते हैं, बस बाकी सीन ओके हो गया भाई। अपना सामान ओके, सब पैक के, कोई इशू नहीं है, जो मुझे नीड है जो मैं लेके जाता हूँ सब पड़ा हुआ है, साहिल ने कुछ भी नहीं चुरा है। तो भाई निकलते हैं, बस यहाँ से 9 to 11 होते हैं, टाइम है 20-25 मिनट हैं, लेकिन जल्दी जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि एक चीज़ मैं भूल गया, ये एक तो कैप और दूसरा बॉल। बसंती, अबे ये तालाब बना हुआ है, जब भी देखो ये तालाब बना होता है, यहाँ पे देख के मूड ख़राब हो जाता है, इसी वजह से मैं उठता नहीं हूँ जल्दी, आज मैच की वजह से उठना पड़े जल्दी। तो भाई बाइक पे बैठना तो ये शश के बैग में डालने पड़ेंगे। हाँ तो भाई चले, टोपी उल्टी करते हैं और फिर निकलते हैं। हाँ तो भाई ग्राउंड हम पहुँच गए हैं, 2-4 लड़के आए हैं, लड़के ज़्यादा नहीं आए, मैं जल्दी आ गया था ज़्यादा। और इस बार हमारा मैच किसी टीम से, सिटी से कोई टीम आ रही है गुलजार सीसी के नाम से, अच्छी टीम है, मज़ा आने वाला है। पहले ये होता था गुलशन अदीद और स्टील टाउन के जितने भी अच्छे लड़के थे सब जमा करते थे, 2 टीमें बनाते थे और उसमें खेलते थे, उस पर ज़्यादा मज़ा आता था, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि फर्स्ट क्लास खेले हुए, ग्रेड 2 खेले हुए लड़के होते थे, तो कॉम्पिटिशन अच्छा होता था, अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलता था। ये भी टीम अच्छी है, मज़ा आएगा, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि वो ज़्यादा अच्छी थी। और एक कंसर्न और है भाई, इस बार दूसरी इनिंग में ब्लॉक नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीम आ रही है। पहले ये होता था कि आपस में लड़के होते थे, सारे जानने वाले होते थे, मोबाइल दे देता था, बन जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जाहिर सी बात है अगेंस्ट टीम के अंपायर को तो नहीं पकड़ा सकते ना, फिर भी कोशिश करेंगे, कोई चोर रास्ता निकालेंगे, लेकिन पहले इन्फॉर्म कर दिया भाई, कोशिश करूँगा आगे पीछे से एडजस्ट करेंगे, पर दूसरी इनिंग में मुश्किल हो जाएगा भाई, पहले ही बता दिया। और लड़के अभी भी 2-4 लड़के आए हैं, ज़्यादा नहीं आए, शुएब खान भी गायब है, मैसेज आया था रात को आऊँगा लेकिन अभी तक आया नहीं, खैर अभी टाइम भी नहीं हुआ, 10:30 ही हुए हैं, टाइम बहुत है, मैं वैसे भी जल्दी आता हूँ तो लड़के लेट हो जाते हैं, जिस दिन मैं लेट होता हूँ फिर सारे पहुँच जाते हैं, ये मेरे साथ होता है। हाँ कोई नई बात नहीं है। A few minutes later. भाई अगली टीम पहुंच गई है पूरी, रास्ते में किसी सिक्योरिटी बैरियर ने रोक लिया था इनको, लेकिन हमारी टीम अभी भी नहीं पहुंची, 8 लड़के हैं टोटल, मुझे मिला के 9 लड़के हैं। शुएब खान आए हुए यहाँ पे, स्टम्प्स लग रहे हैं। शुएब खान लड़के पूरे नहीं हैं, क्या करोगे? हम काफी हैं, वन मैन आर्मी।
भागना पड़ेगा ना बॉल के पीछे अकेले। बैटिंग भी खुद करेंगे, बॉलिंग भी खुद। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज है ना नया प्लेयर आया अपने पास, खेलोगे ना आप? हाँ खेलोगे, किट करके आओ खेलोगे। टोटली इग्नोर, जब बेइज्जती है। ये तो मिट्टी की सूखी है। जावेद को बुला, जावेद को। जावेद, जावेद इधर आ जा ना यार, नहीं हो पा रहा हमसे यार, ये वाला गल्ले पहले आ जा। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। सर वहाँ पे ज़रूरत है आपकी, असल में मिट्टी बिल्कुल सूख गई है ना, शेख खान से खोद नहीं पा रहा, हिम्मत नहीं है उसमें, सो के आया अभी, उसको होश ही नहीं है बिल्कुल। होश नहीं है लेकिन देखें बैटिंग करेगा, देखें लंबे लंबे छक्के मारेगा। हाँ बैटिंग के लिए वो हमेशा लंबे लंबे छक्के मारेगा, बाकी अगर ग्राउंड में विकेट लगाने के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, ध्यान होने हिम्मत होनी चाहिए, गर्मी को नहीं देखते। बैटिंग का लालची है ये जावेद, है ना। हम हर चीज में ऑलराउंडर बने, खाली बैटिंग नहीं करें। इन बैटिंग का मतलब क्या है? हाँ ये बात भी भाई जान। हाँ। देखें बैटिंग ये करते हैं हम, बैट्समैन अपने आप को बैट्समैन नहीं, हम बॉलर बना चुके हैं, पहले हम बैट्समैन थे, अगर हम बैट्समैन बनेंगे इनकी बारी कहाँ आएगी। बिल्कुल अगर आप बैटिंग शुरू कर दोगे फिर तो भाई किसी की बारी नहीं आएगी। जावेद भाई गुस्सा क्यों है मैं आपको बता दूँ, कल इसने मेरे से चैलेंज लगाया 6 बॉलों पे 5 छक्के खाए। अच्छा जावेद, जावेद ये क्या, मैंने चैलेंज नहीं लगाया था भाई जान। देखे ये अपने आप को हमेशा ऐसे कहते हैं, जब हवा मेरे अगेंस्ट चली होगी ना तो बोलेगा आओ हवा भी तेज चली जाए, अच्छे हवा हो जो भी हो, बॉलर है ना यार ये। यार फिर भी जावेद 5 छक्के यार कसम से भाईजान, मैंने प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस का मैच तो चैलेंज लगाया। फिर आप वीडियो भरो, मैं चैलेंज लगा दूं। हाँ। फिर ये छक्का मारेगा फिर ये बोलेगा ठीक है भाई, ये कह रहे वीडियो बनाओ और फिर चैलेंज रखो, ऐसे कैमरे के आगे रखो तो बात बने ना। कब लगा पीठ पीछे बात करने का क्या फायदा, जब कैमरा वीडियो लाइव मैच हो तब पता चलता है कौन शेर है कौन दिलेर है। चैलेंज दे दिया, ओपन चैलेंज भाई, आप तो आ जा अभी लगा ले, अभी मैं बैट बॉल लेकर आता हूँ, अभी करें अभी करें। मैच के बाद बहन डर गई, बहन डर गई। जावेद यार मेरे चैनल को थोड़ा रिकमेंड करो यार, थोड़ा सा आगे करो ना, सिफारिश लगाओ। जना अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे भाई एजाज भाई हैं, आदिल एजाज हैं सॉरी। तो इसको जितना जो भी देख रहा है यूट्यूब पे, तो मेहरबानी करे रिक्वेस्ट करता हूँ ये आप लाइक किया करें, तो आपका भी दिल बड़ा होगा, आपको अल्लाह पाक खुश रखेगा। और सब्सक्राइब लाइक का मुझे नहीं, शेयर किया करें चैनल को, सब्सक्राइब भी तो बोल नहीं आ रहा ये भाई मैं वायरल हो गया, जावेद ने कर दिए प्रमोशन मेरी, आपका भाई वायरल हो गया। ये मैं नहीं बोल पा रहा, कह रहा ये नहीं बोलूंगा मैं, ये नहीं बोलता मैं। जावेद ये तू जब कमेंट करता है अपना नाम क्यों लिखता है जावेद? भाई जान टिकटॉक में सॉफ्टवेयर आए हैं आजकल, ये सॉफ्टवेयर में हर किसी का नाम आ सकता है, अगर अपने नाम से लिखोगे तो हर कुछ आएगा। मैं कब हो गया ये सॉफ्टवेयर, हमने तो नहीं देखा भाई, नाम का है ना, देखो जावेद जावेद इस तरीके से बोलते हैं वो सॉफ्टवेयर, ये सब क्या देखना पड़ रहा है इसे, आप भाई जो कहना चाहोगे वो होगा ना। अच्छा मतलब दोस्त को फ्रेंड को कुछ भी बोलोगे वो उसको जावेद ही निकलेगा, कुछ भी बोलोगे जावेद निकलेगा। वो नाम पे भी है, देखो जावेद पे गाना भी लगा हुआ है भाई, जावेद हमसे 100 साल आगे चल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता भाई, चांद पूछा हुआ है अभी तक चांद भी नहीं पहुंचे, इंशाल्लाह चांद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे सब दोस्तों को। जावेद ने मुझे बताया था मैं जहाज बना रहा हूँ, मुझे सामान चाहिए। कब बना रहे हैं ये जहाज बनाने के लिए? तो देखो सदियां लग जाती है, एक दिन की बात नहीं है, कितने दिन की बात है, चाय पानी बना रहे हैं। जहाज बनाने के लिए अकेले बंदे का काम नहीं होता, गायब इस वजह से था बीच में, रिसर्च कर रहा था। ओ भाई हम यहाँ पे बातों पे लग गए और वहाँ टीम भी पूरी आ गई और पैट्स भी कर लिए, आदि भाई आ गए, आदि भाई ने आकर पैट्स भी कर लिए और राहुल भाई ने गोला, तो चलते हैं फिर ओपनर्स के साथ वापस आएंगे, अगली टीम भी पूरी आ गई तैयार है और हम यहाँ स्टम्प्स लगा रहे थे, जावेद के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे। हमारी टीम का बेस्ट फील्डर कैसे हैं आप? ठीक है, शर्म भी नहीं आ रही बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह सीख ले कुछ। 5 minutes later. भाई ओपनर सबने जा रहे हैं, अगली टीम भी आ गई है, मैं भी तैयार हूँ, फ्लॉपी पहन लिया राव भाई की और मेरा कॉम्पैर, हाँ तैयार है ना, 19-20 आउट दे दियो तभी अपनी बारी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है भाई, अगेंस्ट टीम भी भाई तैयार है, जोश में लग रही है, और हमारे आदि भाई और रऊफ भाई, आदि भाई स्ट्राइक पे हैं और नॉन स्ट्राइक में रऊफ भाई, ऑब्वियस है रऊफ भाई होंगे जब आदि भाई स्ट्राइक पे होंगे, और मैंने कैप पहन ली भाई, फ्लोपी उड़ रही थी हवा से तो मैंने कैप पहन ली अपनी। चलो भाई बॉलर तैयार है, मैच शुरू करते हैं जल्दी से।
गुड पहल। और रोग भाई पीछे क्यों भाग रहे हैं? ट्रेविस हेड की तरह खेलने का बोला है आपको यार। शॉट उस्ताद, मेरी टांग बच गई, टांग से लंगड़ा होने वाला था, शुक्र है स्टंप्स पे लगी, बचत हो गई। स्टंप्स नहीं होते सीधे मेरी टांग पे लगती। उफ अल्हम्दुलिल्लाह। शॉट रो भाई, शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर भाई। 6 ओवर में 51 रन हैं, स्कोर ठीक ठाक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि विकेट नहीं गिरी अभी। और रो भाई भी चार्ज हो गए, अगर थोड़ा और अच्छा खेलते रहे इसी तरह कंटिन्यू हुआ तो स्कोर सेट हो जाएगा। विकेट नहीं गिरी, रन बना लेंगे, कवर कर लेंगे, टेंशन नॉट। भाई रऊ भाई को आउट करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो कर दे, बिल्कुल ही ठक्कल बोलिंग है कसम से। कम ऑन, सो कर दे, रात को जिंगर डन ठीक है। शेफ खान के साथ लग गई भाई, पक्की बात है, डन कर दिया, डन कर दी। ना करने पे ये भी तो बता, ठीक हो गया, ना करने पे ये खिलाएगा, करने पे मैं खिलाऊंगा। भाई 9 ओवर में 70 रन हैं और 2 आउट भी हो गए बैक टू बैक, एक ही ओवर में दोनों आउट हो गए। दोनों नए बैट्समैन हैं, सलमान भाई और शुएब खान, और बैट्समैन बहुत ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, लेकिन जितने हैं सारे बैट्समैन हैं। मैं चाह रहा हूँ बैट्समैन थोड़े कम हो तो मैं भी बैटिंग कर लूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं जो चाहता हूँ हमेशा उसका उल्टा होता है, ये लिखा हुआ है। अभी 10वां ओवर चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है कसम से, भागने की कर रहा हूँ यहाँ से बाहर, आवाज़ दिए कि एम्पायर भेज दो, देखते हैं अभी क्या होता है। चाय पानी, आ शॉट, तू ऐसे खेलेगा तो 100 कभी नहीं करवाएगा, बहुत ठंडा खेल ले। अभी 17 ओवर पड़े हैं यार, खेलेगा भाई, अपने बैट्समैन ठंडे हो गए, बिल्कुल सीधा सीधा खेल ले। मैं बोर हो रहा हूँ, गर्मी भी लग रही है, अभी अगले ओवर में शायद बाहर जाऊँगा, मैं लड़के को बुलाया, वो आया तो जाऊँगा बाहर। गर्मी भी लग रही है और सीधा ज़्यादा खेल लें यार, बिल्कुल ही टेस्ट क्रिकेट खेल लें, थोड़ा सा तो एंजॉय होना चाहिए, हाँ छक्के वक्के लगने चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अभी देखते हैं इस ओवर में शायद हो, क्योंकि स्पिनर आया है। हाय हाय हाय, हाँ तो यार मैं बाहर आ गया, बाहर धूप ज़्यादा थी आपका भाई, ये दरख्तों के नीचे आ गया, बिल्कुल छाँव में। अब रिलैक्स, स्कोर पता नहीं कितने, स्कोर पूछ के आता हूँ। स्कोर क्या है? स्कोर 118, 17 ओवर। 17 ओवर 118। आज तेरी बैटिंग नहीं आएगी, मतलब शेप का आउट होने का मूड नहीं है। ओके रे, 100 करके ही आऊँगा बाहर। 100 तो कुछ भी होगा, हाँ जिंगर लग गया, दुआ करना हो आउट हो जाए आपका शेप। हाँ मैंने बोला 100 करेगा जिंगर खिलाऊंगा, नहीं करेगा तो तू मुझे खिलाएगा, आपको मिल गया। हाँ डन डन, चल ठीक है, अगर मुझे मिल गया तो तुझे भी कॉल कर लूँगा, सही है। आप बच गया, अरे बच गया शेप, बच गया सर जी, तेरे साथ एक डील करनी है। कौन सी? शेप के साथ, शेप खान के साथ मेरा लगा था, वो 100 करेगा तो जिंगर खिलाऊंगा, उसके रन बढ़ाने नहीं है। सही बता, हरामी हो बेटा, स्कोर उसका कम करता रे, टोटल बढ़ाएगा सही है, लेकिन उसके खाते से एक एक दो दो करके कम करता है। ठीक, मैं देख रहा हूँ साथ बैठा हूँ इसी वजह से मैं अपना जिंगर बचाने। डील क्या है? डील जिंगर की है ना, वो 100 करेगा तो मैं खिलाऊंगा, नहीं करेगा तो वो खिलाएगा। अच्छा हाँ, दो डन हो गए बंदे, तीसरा नहीं आएगा। क्यों? दो हो गए। अबे ये हेल्प करेगा तो कुछ होगा ना। हाँ चले स्टंप ला देंगे। ये के बीच में आया, ये इसके साथ पहले बता दिया, इसको गलती कर दी। शुएब खान 100 करके भी नहीं कर पाएगा, डील कर दी है मैंने स्कोरर से, यहाँ पे सेटिंग हो गई है, इस बेचारे को नहीं पता अंदर मेहनत कर रहा है जिंगर के चक्रों में। बहुत अच्छा शेब, 100 नहीं हो पाया, आपने बहुत अच्छा खेला लेकिन 100 नहीं किया आपने, कहाँ 100 किया है? हाँ भाई स्कोरर कौन था? आप थे 100 किया इसने, 85 बैटिंग नहीं है ना, तभी झूठ बोल रहे हैं। नहीं 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 भाई, रात सारे मिले हुए क्या बोल रहे हैं।
कुछ भी वैसे आपस की बात है भाई, जिंगर तो हार ही है, खेला तो अच्छा लेकिन जिंगर हार ही है, ये बात मान ले भाई, नहीं खिलाना नहीं खिला लेकिन बात मान ले कि मैं हार गया। एक भाई बोला था पूरे ओवर खेलूंगा, 20 ओवर पूरे खेलूंगा। नहीं बात सो की हुई थी ना, अच्छा खेला कहाँ सो की है भाई, इसने सो नहीं किया। और अब ये देखो स्कोरर बोल रहे, स्कोरर की बात ये मान नहीं रहा बाहर भाई। स्कोरर कौन बोल रहा है, वो है ना क्या कहते हैं मुदस्सर है, मुदस्सर है। मैं नहीं खा रहा जिंगर। अबे आप खिलाओगे खाओगे नहीं, अभी खिलाओगे जिंगर आप पे आया भाई, भाग रहे भाग रहे। हाँ तो भाई एक इनिंग कंप्लीट हो गई है और 30 ओवर में 265 रन का टारगेट दिया है, मैंने भी किट कर ली है, फील्डिंग आ गई है अपनी, अगली टीम के ओपनर्स ने भी बैट्स कर लिए हैं और हम भी रेडी हैं। शेब खान मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं मैंने सो की है, मेरे साथ धांधली हुई, मुझे बोल रहे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, आप खुद देख लो उसको क्या बताया, इसके पीछे मेरा आते हैं। खैर यार फील्डिंग की तैयारी करते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं और अंदर जाते हैं। One hour later. भाई मैच की सिचुएशन इतनी ज़्यादा टफ हो गई है कि मैं ग्राउंड में फील्डिंग करते हुए व्लॉगिंग कर रहा हूँ, शुएब खान बॉलिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई आपस में रखते हैं। शहर से टीमें आती हैं ना ये हालत होती है, ये हालांकि अच्छी टीमों में से एक है उनकी ये हालत है, तो बाकी एवरेज और हल्की टीमें उनका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुएब खान ग्रेम स्वान बना हुआ भाई, शुएब खान बना हुआ ग्रेम स्वान भाई, मिड ऑफ पे हॉट स्पॉट पे मोबाइल के साथ ब्लॉगिंग करते हुए फील्डिंग कर रहा हूँ, लेवल चेक कर रहे हैं आप भाई का नहीं। कुड बी आउट ना, बीच में गिर गई। गलत नहीं है भाई, मुदस्सिर कर रही है, बेमानी करेगा ने कुछ ना, मेरे को पता है। अबे कितने दो चार रन की हेरा फेरी की। अच्छा ये देख आदि भाई 9 ओवर खेले 14 रन लिखे हुए। आदि भाई तेरी शिकायत हो रही है, बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। किस चीज की आदि भाई, नंबरियां कर रहा है इसपे, अब इसका कर रहे दो नंबर कर रहे थे, मैं जबरदस्ती थोड़ी करूंगा। शेर ये कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सारों ने बोल दिया एक बंदा गलत कर रहा है। नहीं भाई एंड के 15 ओवर में किसने किया, आदिल भाई आपके सामने मुदस्सिर गलत कर रहे हैं, ऐसे फील्डिंग बोली कैच पकड़ रहे हैं, ये बदला है फील्डर तो बेस्ट है, ये बात तो मानो भाई फील्डर बेस्ट है। कैच छूटने लगे आदिल भाई इसके बदले, हां अब छूटने लगे, थोड़े बहुत पहले तो बहुत पकड़ता था। शेफ वैसे सीरियस वेन्यू का बता दे यार, सो हो गया यार देख ले, नहीं खिलाना वैसे ही बता दे। फ्यू मिनट्स लेटर। हाँ तो भाई अब टाइम हो गया घर का रास्ता नापने का, मैं घर निकल रहा हूँ, सारे चले गए, पवेलियन पूरा खाली है, थोड़ा सा स्ट्रेच करने में रुका था और सब शार्ट हो गए, दूसरी टीम के दो चार लड़के हैं पीछे, तो घर पे मिलते हैं आपसे। हाँ भाई घर में पहुँच गए, लेकिन आते हुए एक इंसिडेंट हुआ, एक सीन हो गया, मैं आ रहा था अचानक एक बाइक निकली फुल स्पीड में, उसके पीछे एक लड़का आया 18-19 साल का था, गिरा उसको पकड़ो पकड़ो, मेरा मोबाइल छीन के भाग गया, उससे मोबाइल बाइक पे स्पीड पे आया और मोबाइल झपटा मार के मोबाइल लेकर चले गए, मुझे कह रहा था उसके पीछे जाओ, मैं कैसे पीछे जाऊँ भाई, बड़ी मुश्किल से तो दो टायर में बैलेंस करके मैं बाइक चला लेता हूँ, उसके पीछे जाऊँगा कहीं रस्ते में मैं ठुक जाऊँगा, पहले थोड़ा सा मैंने सोचा फिर उसको बोला भाई अगर आपको चलाने आती आप बैठ जाओ मैं पीछे बैठ जाता हूँ, वो फिर आगे लेकर गया और एक आध घंटा मुझे फॉर कराया, पुलिस के पास गए, वो बताया मसला वसला, उन्होंने कहा भाई अपना डब्बा वब्बा लेकर आओ और आके रिपोर्ट कर दो इधर, बड़ी मुश्किल से एंड में मुझे कह रहे आपकी वजह से आप थोड़ा जल्दी आते तो शायद पकड़ लेते। बड़ा अफसोस हुआ यार कसम से, बच्चा था रो रहा था, कह रहा था अभी अभी मोबाइल लिया मैंने, और फिर अफसोस है कसम से, दिन दहाड़े अभी ये काम हो रहे हैं यार, पहले रात को होते थे चलो रात में फिर समझ आते, 4-5 बजे की बात है और ऐसे मोबाइल छीन रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कसम से कराची डूब रहा है, बस पूरी तरीके से डूब रहा है कराची, हर लिहाज से डूब रहा है, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है हमारे भाई, मुझे अपना बहुत डर लग रहा है, मैं तो मोबाइल वैसे ही यूं करके हर जगह जाता हूँ, चमाट वमाट मार के मोबाइल ना ले ले। खैर यार अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी, अल्लाह ताला बचाए कराची को। व्लॉग को मैं इधर ही खत्म करो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक करो कमेंट करो और बेल आइकन में भी क्लिक कर दो, हाँ इतना खर्चा कर ही लिया तो ये भी कर दो। आप लोगों से कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।